खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के साथ पंचनामा की शुरुआत करते हैं। भारत ने इमरान खान के भड़काऊ भाषणों पर आज बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया। इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बनने लायक नहीं है। इमरान के भाषणों में वो गरिमा नहीं है जो किसी देश के प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि इमरान को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ ही नहीं है। आज के दिन की यह सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इमरान खान और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए इमरान खान के भड़काऊ भाषणों को आधार मानते हुए यह कहा कि इमरान प्रधानमंत्री पद के काबिल ही नहीं है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ ही नहीं है। सुनवाते हैं आपको क्या कहना था प्रवक्ता रवीश कुमार का। मुझे लगता है कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस कंडक्ट किया जाता है और शायद उसके बलबूते पर कभी कभी वो ऐसी बयान कर पाते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा सीरियस बात है कि उन्होंने जो ओपन कॉल दिया था, जैसा बता रहे हैं कि आप लोग कुछ करो, मार्च करो, उन्होंने ओपन कॉल दिया था जिहाद के लिए कि सब लोग हम करेंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं। और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे पड़ोस को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी हैं तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहाँ तक उनका ये कॉल है कि आप यहाँ से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्यूपाई करते हैं उसके काबिल नहीं है।